सकता है पहले। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। एंड एज आई सेड कि मैं प्रीवियस टू न्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि क्या प्रीवियस एफ जेड थी और क्या नई एफ जेड एस है। तो ये दोनों मेरे सामने खड़ी हैं, ऑल दो यहाँ पे ये एफ जेड है, बट एफ जेड और एफ जेड एस हम दोनों ही कह सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं दिखा देता हूँ। बाकी जो स्पेक्स हैं दोनों के ही सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो चेंजेस क्या आए हैं वो बॉडी में पूरा आया है तो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट, तो यहाँ पे लाइट पहले इस हिसाब की थी और अब लाइट आपको फुल्ली एलईडी देखने को मिलती है। पहले आपको यहाँ पे हेलोजन देखने को इधर साइड मिल जाता था और यहाँ पे आपको इंडिकेटर से वो नॉर्मल देखने को मिलते थे, अब यहाँ पे आपको एलईडी देखने को मिलता है। जो मीटर था प्रीवियस वाला वो काफ़ी छोटा था और काफ़ी देखने में इतना खास नहीं लगता था, लाइक छोटा था और ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप देख सकते थे इस हिसाब का कुछ था। अब जो मीटर है वो कुछ इस हिसाब का है, दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको एमटी वाला मीटर उतार दिया। पहले मैंने इस मोटरसाइकिल की पूरा एक डिटेल रिव्यू किया है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके, आई बटन पे भी लिंक आ गई होगी। तो अब आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, टाइम उसमें भी देखने को मिलता है तो इसमें भी देखने को मिलता है, बट क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, आपको टैकोमीटर इस हिसाब का देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, लाइक काफ़ी बड़ा मीटर कर दिया गया है ताकि देखने में इतना ईजी हो जाए। इसमें TCS और ऐड ऑन कर दिया गया है, पहले में तो TCS आपको देखने को नहीं मिलता था। लाइट इस हिसाब की है, वैसे ये चेंज बहुत पहले कर दिया गया था, थोड़े टाइम पहले इसके भी ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी आई बटन पे। और प्रीवियस लाइट कुछ इस हिसाब की थी, इंडिकेटर आपको वही नॉर्मल ऐसे, डुअल चैनल ABS आपको इसमें नहीं देखने को मिलता था, अब आपको डुअल चैनल ABS देखने को इसमें मिल जाता है। एक और चेंज किया गया है, क्या चेंज है दिखा देते हैं। जो यहाँ पे आपको फ्यूल देखने को मिलता है वो अब आपका E20 कंपेटिबल है, जो कि हम लोग फ्लेक्स फ्यूल कंपेटिबल भी कह सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ कर दी गई है। अब आपका जो फ्यूचर में E20 फ्यूल आने वाला है, जिसमें कि आपको 80% फ्यूल और 20% इथेनॉल देखने को मिलेगा, वो आपका कंपेटिबल कर दिया गया है इस मोटरसाइकिल को फ्यूचर के लिए, ताकि आप फ्यूचर में स्विच ना करो E20 जब फ्यूल आ जाए। तो ये यामा ने पहले से प्री प्लानिंग करके इस मोटरसाइकिल को उतार दिया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ किया है। तो यहाँ पर आपको E20 फ्यूल कंपेटिबल देखने को मिलती है मोटरसाइकिल, ये पहले अब आप ये भी आ गई है बट पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे भी आपको E20 देखने को मिल जाता है, पहले नहीं था लेकिन अब आ गई है। तो इतना ही कुछ था, ये 2023 ये भी है, बट इसमें जो चेंजेस हैं वो इससे कहीं गुना कम है। इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, और फ्रंट से ही आपको पता चल जाएगा कि एफ जेड नई वाली है कि पुरानी वाली है, आप देख सकते हो उधर साइड से दोनों को ही, राइट। तो इन दोनों को देख सकते हो कैसी ये मोटरसाइकिल्स हैं, और आप ये वाली लेना पसंद करोगे कि ये वाली, मेरे हिसाब से तो ये नई वाली ही लेना पसंद करें, ज़्यादा सही है। बाकी फ़र्क मैं बता देता हूँ कितने रुपए का फ़र्क है, तो यहीं पे आपको 3-4 हज़ार का फ़र्क देखने को मिल जाता है। ये आपको 1,52,000 में देखने को मिल जाती है, ये आपको 1,46,47,000 समथिंग में देखने को मिल जाती है। तो इतना ही कुछ चेंजेस था आपका, और वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, और कौन सी आप लेने वाले हो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट एड्रेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।